गुरुवार को ऐतिहासिक रथ मेला का आयोजन होगा। रांची में भी रथ मेला का पुराना इतिहास है। हम आपको बता रहे हैं, रांची में जगन्नाथपुर मंदिर जो 400 वर्षों से ज्यादा का पुराना मंदिर है और इस मंदिर का भी एक लंबा इतिहास है, और हम दिखाते हैं किस तरह से अभी भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गर्भगृह में है और कल उनको गर्भगृह से बाहर निकाला जाएगा और कल रथ यात्रा जो निकलेगी। रथ यात्रा का एक पौराणिक गाथा है, पौराणिक कथा है। इसमें यह कहा जाता है कि भगवान विश्राम के लिए अपनी मौसी की बारी में जाते हैं, मौसी के घर में जाते हैं, वहां वो 9 दिनों तक रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर है जो यहाँ के जो बरकागढ़ के महाराजा थे एनीनाथ सहदेव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उनको स्वप्न में आया था कि वो पूरी गए हुए थे, दर्शन करने जाते थे, उनको स्वप्न में आया कि उनको स्थापित किया जाए रांची में, तो उन्होंने अपने स्टेट में ला करके इस मंदिर की स्थापना की थी। और पहले ये छोटा मंदिर था, लेकिन 1990 में ये जो पुराना मंदिर था वो गिरा था और उसके बाद ये भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। हम आपको और भी चीज़ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, जो बड़कागढ़ का एरिया देख रहे हैं, जगन्नाथपुर परिसर, जगन्नाथपुर एरिया बोला जाता है लेकिन पुराना नाम इसका बड़कागढ़ है। और आप देखें कि यहाँ पर जो एक रथ, जो झंडा दिख रहा है, अभी तैयार किया जा रहा रथ को, और जो देर रात तक ये रथ तैयार हो जाएगा भगवान को ले जाने के लिए। तो इस रथ पर बैठकर भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ वहां आगे जो झूला के सामने जो आपको दिख रहा है, वहां मौसी बारी जाएंगे, वहां पर 9 दिनों तक वह विश्राम करेंगे। और इस बीच जो एक उल्लास, जो एक वातावरण यहां पर देखने को मिलता है, कई तरह के झूले यहां लगे हुए हैं, मेले को लेकर के प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर रखी है। और कल से ही 2000 पुलिस बल को यहाँ तैनात किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से पूरे जगन्नाथपुर परिसर की, जगन्नाथपुर मंदिर पर सकी निगरानी होगी। जो जानकारी अब तक मिल रही है, मुख्यमंत्री रघुवर दास भी रथ खींचने के लिए यहां आएंगे, क्योंकि बड़कागढ़ के जो वंशज हैं उन्होंने आज ही मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें आमंत्रित किया है कि वो आ करके यहाँ जो जगन्नाथपुर मेला लगता है, जगन्नाथ मेला लगता है, रथ मेला लगता है, उसका वो उद्घाटन करें। और कह सकते हैं कि जिस तरह से भव्य आयोजन यहाँ पर होता है, 8 दिनों तक कहिए कि पूरा झारखंड यहाँ समाहित हो जाता है, कोने कोने से लोग मेला को देखने के लिए, रथ यात्रा को देखने के लिए लौटते हैं, यहाँ जुटते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जो भगवान जगन्नाथ का स्थान है, भगवान जगन्नाथ का स्थान कहा जाता है पूरी को, और वहाँ के बाद यदि पूरे देश में सबसे बड़ा रथ मेला कहीं लगता, रथ यात्रा कहीं होती है तो वो रांची में होती है। लगभग 500 मीटर तक भगवान के रथ को खींचा जाता है और लोग रथ की रस्सी को छूने के लिए बेताब रहते हैं। और स्थिति यह होती है कि लोगों के मन में ये मान्यता है, यदि उन्होंने रथ की रस्सी को छू लिया तो उनका वर्ष जो है सो अच्छा बीतेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी मान्यताएं हैं यहाँ के रथ यात्रा की, और इस रथ यात्रा को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई हैं। और उस तैयारी के हिसाब से कह सकते हैं कि इस वर्ष भी झारखंड में जो जगन्नाथपुर मंदिर के पास जो रथ मेला होने जा रहा है वो भव्य होगा और लोगों को एक अलग ही आनंद आएगा। सहयोगी सूरज के साथ ज्ञान रंजन, जगन्नाथपुर मंदिर, रांची।